अस्सलाम वालेकुम, मैं ईशान शेख और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हसन मुहिद्दीन और आप देख रहे हैं एज यूजुअल हमारा यूट्यूब चैनल हसन ईशानी व्लॉग और हसन मेरे साथ मौजूद है। मुझे आज उसने कैमरा पकड़ा दिया और खुद जनाब मम्मी डैडी बन के कैमरे के सामने आ गए। हसन क्या हाल है? और आज बड़े ब्लैक एनवायरनमेंट में है आप। अल्लाह का शुक्र है मलिक साहब, बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने कैमरे से आपको पकड़ाया कि मैंने मेन्यू की ये छोटी सी किताब उठाई है और हम आए हुए कहाँ ये तो चले बताते हैं। तो मैंने कहा मेन्यू डिसाइड आज मैं करता हूँ। लास्ट टाइम जो फास्ट फूड का मेन्यू था शानी मलिक साहब ने डिसाइड किया था, इसलिए कैमरे की जिम्मेदारी आज आपको दी है। होप सो हमारे नाज़रीन खैरियत से होंगे और हमारे चैनल को लाइक भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और हमारी वीडियोस को भी पसंद कर रहे हैं। बड़ी यार आपने लुड़ियाँ चुड़ियाँ मारी हैं। हाँ, आवाम जो सी है ना फैन हुई पड़ी है। बड़ी ऐसे नाम लुड़ी मार लेता है। लुड़ियाँ मलिक साहब ये कि ट्राई है, वैसे लुड़ी से याद ये आया कि मेहनत की थी, खुशी हुई है। जो खुशी दिल से खुशी हो तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, तो हमने कहा नए तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और लुड़ियाँ हमने डाली हैं। उस पर जो असल जो सम्मी वाला गाना था ना, मुझे जो बड़ा दुख हुआ उस चीज़ का, समी वाले गाने में वीडियो थी लेकिन हमें वो कॉपीराइट के डर की वजह से हमें लगाना पड़ा है दूसरा अपना म्यूज़िक, लेकिन हम अपना म्यूज़िक भी अच्छा चल रहे हैं। तो बहरहाल वो वीडियो की बात तो चलती रहेगी। आज हम जो मौजूद है जी NFC द पिज़्ज़ा एक्सपर्ट, इसकी जो लोकेशन है वो है जी, किधर है जी मलिक साहब? बिल्कुल जी, ये लोकेशन इसकी है जी तलगांग रोड पे। एक नया एडिशन हुआ है जी फास्ट फूड का, तो नया एडिशन फास्ट फूड का हो और फिर लहसन और छानी वहाँ ना पहुँच गए तो ऐसा तो नहीं चलता। अब थोड़ी सी जनाब NFC का ये जनाब इनर हाल है। लोकेशन में आपको बताता चलूँ कि लोकेशन इसकी जो है ना वो है तलगांग रोड पे, एम्पोरियम से थोड़ा सा पहले। ये जनाब फास्ट फूड का एक नया जो है ना वो लॉन्च किया गया और ये मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये इनका बर्थडे कॉर्नर भी बड़ा अच्छा है। बाकी है सब मौजूद है मलिक साहब कैमरे के सामने करता हूँ, ऑर्डर मलिक से करवाते हैं। चले जी, ठीक है जी जनाब। मलिक साहब डिसाइड तो मैंने कर लिया है, हाँ। लेकिन आवाम के सामने जो है ना प्रेजेंट मैं कर देता हूँ। तो ये जनाब इनका मेन्यू है, मेन्यू कार्ड तो इसको नहीं कह सकते, मेन्यू पेपर कह सकते हैं। तो ये है कि अच्छा अट्रैक्टिव है सारे और काफ़ी ज़्यादा इनकी जो ना हैवी किस्म का मेन्यू, एक तरफ ये पूरा मेन्यू दिया गया है, दूसरी तरफ डील्स भी हैं, आप वो भी ले सकते हैं। बहरहाल क्योंकि हम जिस जगह पे भी जाते होते हैं ना, तो हमारी ट्राई यही होती है कि हम जो सी है कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो सी है ना वो सारी ट्राई करें ताकि आवाम को हम बता सकें कि ये जो नया सेटअप होता है चकवार में, कोई नई चीज़ या नया रेस्टोरेंट या नया फास्ट फूड सेंटर है तो उसका टेस्ट रिव्यू देने के लिए, तो उसी परंपरा को हम जो है ना वो कायम रख रहे हैं। और आपको जनाब ऑर्डर हसन ने आज डिसाइड किया है क्योंकि हसन ने कहा है कि जी आज ये ऑर्डर वाला जो पोर्शन है ना वो मैं डिसाइड करूँगा। डिसाइड हसन ने किया, अनाउंस मैं कर देता हूँ। जो है ना पिज़्ज़ा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा मंगवाएंगे हम और साथ में आज हसन की स्पेशल फरमाइश है कि इसका पास्ता खाने का दिल था, ठंड हो चुकी है और फिर हसन ने कहा जी मैंने पास्ता खाना, तो इनका पास्ता ट्राई करेंगे और इसके अलावा जो इनका जिंगर बर्गर है ना वो ट्राई करेंगे और साथ में कोल्ड ड्रिंक तो होगी होगी। तो बहरहाल रेट्स जहाँ तक रेट्स का तल्लुक है वो कंपैरेटिवली ठीक ही हैं। एक नया सेटअप जब भी लॉन्च होता है तो उसका रेट जो है ना वो फास्ट फूड के हवाले से कंपैरेटिवली ठीक है इनका रेट। बाकी जब हमारा बिल आएगा वो भी आपको दिखाएंगे। सेटअप तो हसन दिखा दिया है आपको कि ब्लैक कम्बिनेशन बड़ा अच्छा इन्होंने किया हुआ है। और दूसरी बात ये कि फैमिली वाला क्यों हसन, फैमिली वाला अकवाल वैसे भी मॉडर्न हो गया कि वो एक ही जगह पे सिस्टम चार्ज होता है, सिटिंग भी एक ही जगह, हाँ सिटिंग अच्छी है, सोफे लेदर सोफाज हैं। लेकिन आप टेस्ट करेंगे और फिर बताएंगे कि टेस्ट के हिसाब से बिल ठीक है या नहीं है। बिल्कुल ये बात, ऑर्डर करते हैं फिर गपशप भी लगाते हैं और लोगों को दिखाएंगे कि इनका पिज़्ज़ा और पिज़्ज़े की शक्ल सूरत कैसी है। ऐसे जी जनाब सब मौजूद हैं हम NFC पे और जनाब ऑर्डर आ चुका है और आज हसन का ऑर्डर था जनाब। ये आप देख सकते हैं कि जिंगर है और साथ में ये पिज़्ज़ा आ गया जी, हमारा फेवरेट चिकन टिक्का पिज़्ज़ा और साथ में ये पास्ता।
कोल्ड ड्रिंक भी आ चुकी है और ये मौजूद है हसन साहब। और हसन साहब क्या क्या कहते हैं, ऑर्डर कैसे? सब ऑर्डर देखने में तो ये चीज़ अच्छी लग रही है, चीज़ अच्छी लग रही है, लेकिन आपको लगता है क्वांटिटी पे कोई थोड़ी सी कमी लगी है, कमी महसूस हुई है? लेकिन ये कि अभी खाएंगे तो फिर पता चलेगा, फिर बताएंगे और बिल आएगा तो रेट के हिसाब से बताएंगे कि इनका टेस्ट किस तरह है और इनका बिल कैसा है, रेट कैसे है। पहले टेस्ट करते हैं ठंडा नोबो, पास्ता भी मैंने ट्राई किया, अच्छा है, लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मलिक साहब, मैं सीधी बात बताऊँ, जीरियस वाला पास्ता क्रिस्पी इसके मुकाबले में नहीं। हाँ बिल्कुल, मुझे भी इतना है, लेकिन ये कि गुजारे या पास्ते का तुम नहीं खाया, मैं तो वैसे साथ में नहीं था, नहीं पास्ते का मेरे असल में इसलिए मूड किया कि चकवार में बहुत कम चल रहा है पास्ता, लज़ानिया में चलते हैं, मैं वो क्रिस्पी एक्सपेक्ट कर रहा था जिस तरह क्रिस्पी पीसेस होते हैं चिकन के, लेकिन इसमें तो ज़्यादातर मैक्रोनीज ही है और चीज़ पड़ी हुई है, वही ना चीज़ वगैरह ज़्यादा, लेकिन मुझे भी इसका टेस्ट जो है ना वो एवरेज लग रहा है, लेकिन ये है कि आज आपने ज़रा ऑर्डर डिफरेंट किया ना, जब डिफरेंट तजर्बा करेंगे तो फिर तो जनाब डिफरेंट डिफरेंट आपको चीज़ मिलेगी मिलेगी, तो एक तो चीज़ है और एक चीज़ दूसरी वाली है चीज़ें वाली। हाँ मैं वो चीज़ें वाली की बात करूँ, वो भी थोड़ी कम ही है वैसे। हाँ यही बात है, बहरहाल चलें नई जगह पे हैं, मैन क्योंकि इनका नाम NFC पिज़्ज़ा एक्सपर्ट है, तो पिज़्ज़ा मेन इनका है आइटम है, तो वो टेस्ट करेंगे तो फिर पता चलेगा कि पिज़्ज़ा इनका कैसे। जी असर साहब, हाउ इज़ द टेस्ट ऑफ ये हसन, ये हाल की, हालांकि इसको पसंद नहीं आया था लेकिन फिर भी ये हाल हो गया। तो मैडम कह रहा असल में कॉलेज में मैडम मैडम कह कह के ना आगे पीछे, तो आपको अभी भी जो सर ना वो सर पे सवार है। सर मैंने सर कहना था, शानी कहना था, मैडम सर सर पे सवार हुए हैं मेरे साथ। पास्ता तो ख़त्म, तो ज़ाहिर बातें करना था जब आपने पैसे लगाए हों तो। जवानों ये बता दूँ कि ये 600 दाने जरा ये खादा ना पास्ता, ये 600 सी और बाकी बिल आते तो आपको दिखाते हैं। बड़ी बात है, छुरी चम्मच मौजूद है लेकिन नहीं शानी मलिक, मज़ा नहीं आया, नहीं आया। आज वैसे एक बात अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाता हूँ कि आज पिज़्ज़ा मैं तो खाती ही हूँ, आज शानी ने भी जो है ना वो मम्मी डैडी स्टाइल में पिज़्ज़ा खाया है, और वो कैसे खाया है उसकी भी कुछ चलती है, मैं आपको दिखाता हूँ एक दफ़ा शानी से कैमरा से बैठा हूँ जनाब, क्योंकि इनका जो है ना पिज़्ज़े का स्माइल पिज़्ज़ा कुछ ज़्यादा स्माइल था, तो मैंने कहा कि ये इसमें से इस ट्रे में से ना निकला तो फिर वो डुकना कोई नहीं है, इसलिए फिर मैंने भी जो है ना ये मेरी कांटे और ये छुरी ना पड़ी, वो छुरी से याद आया तो पिक्चर तो बनवाई नहीं है। यस इसमें रुको ना, पहले पिक्चर बनवा लें फिर वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पिक्चर बनवा लेते हैं जी, क्योंकि हम ले लिए हमें पिक्चर भी जो चाहिए होती है ना। शुक्र है हसन को याद है, हसन हसन भी ज़्यादा थोड़ा सा डिस्टार्ट हो गया कि इसकी मर्ज़ी का जो है ना टेस्ट नहीं मिला इसको यहाँ पे, तो लेकिन ये है कि अब आए हुए हैं, खर्चा किया है, पैसे लगाए हैं, नोट लगाए हैं, तो फिर तस्वीर तो बनती है जनाब, इसलिए आप वेट करें, हम जरा तस्वीर बनवा के तो फिर आप से मिलते हैं। क्या हुआ है जो मैं दिखाना असल बिचार रहा था कि शानी मलिक साहब जो है ना मुझे कहते रहते हैं, और एक भाई का कल कमेंट भी आया हुआ था कि शानी भाई हसन को बड़ा तंग करते हैं, तो आज मैंने कहा जरा मैं शानी को तंग करता हूँ, ये जनाब मुझे कह कह के खुद इसकी हालत देखे। ये देखें, ये हसन ने मुझे सिखाया है जी कि ये लेफ्ट हैंड में आपने छुरी पकड़नी है और राइट हैंड में आपने ये फौज कहते हैं क्या कहते हैं जो कांटा कहते हैं जी, तो ये जनाब कांटा इस तरह खा लेते हैं, यानी आपने इस तरह ऐसे करने ऐसे करना इसको ऐसे करना और जोर लगाना है और फिर यूं आपके हाथ में आ जाएगा और फिर आपने खा लेना, ये प्रैक्टिस से काम आता है। लेकिन मैं तो बेचारा वो क्या कहते हैं देसी देसी से बनूं हाथों से खाने का आदमी हूँ, लेकिन आज ऐसा ने वक्त डाल लिया, तो बहरहाल जनाब आए हुए थे हम NFC पे, लेकिन वहाँ बर्गर रहते हैं अभी वो भी टेस्ट करते हैं, लेकिन ये जो दो चीज़ें हमने खाई हैं ना इट्स एन एवरेज सीन है, नॉट आउटस्टैंडिंग, तो हमारा काम ये है कि जब भी किसी ऐसी जगह पर आए तो अच्छा अच्छा रिव्यू देना चाहिए ताकि आवाम को भी पता चले, तो हमारे जो टेस्ट वाले सेंसेस है ना वो इतना अच्छा डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो बहरहाल अभी बर्गर टेस्ट करते हैं तो फिर आपको बताते हैं कि बर्गर इनका कैसा।
जी मिस्टर हसन बिल आया, बिल भी आ गया है। और बिल क्या कहते हैं आपसे? कोई नहीं, बिल में जो कहना था वैसे वो जो रेट लिखे में वही है। एक चिकन टिक्का है 549, बर्गर 349 और ऑर्डर स्पाइसी रेगुलर, पास्ता 599 और कोक 500 ml। टोटल है जी 1597 रुपये। टेबल नंबर था हमारा 12। कोई नहीं, बिल सर्विस चार्जेस नहीं, सर्विस चार्जेस नहीं है, लेकिन मैं आज मतलब सब सेटिस्फाई नहीं हूँ। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे भी होते हैं। एक दफ़ा मैं बिल दे दूँ फिर मैं नाज़रीन दुख का इजहार करूँगा, ये देता हूँ। जी असन साहब बिल तो हो गया है और तो मलिक साहब वही है जो एज़ यूजुअल हम जाते हैं, बिल इतना ज़्यादा नहीं है, 1600 रुपये बिल है। लेकिन मैं डिसटिस्फाई से हूँ कि तीनों चीज़ें टेस्ट की हैं तो अच्छा रिव्यू देना चाहिए जो ओरिजिनल रिव्यू हो। तो ना मुझे पास्ता पसंद आया है, ना मुझे पिज़्ज़ा पसंद आया है, ना मुझे बर्गर पसंद आया। आगे जहाँ भी गए हैं तो कोई ना एक चीज़ पसंद आई है जिसकी वजह से मैंने कहा है कि लोगों को कि रिकमेंड करना चाहिए। लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय, जो मेरी राय है, शानी की राय अलग हो सकती है, बाकी लोगों की राय अलग हो सकती है, लेकिन मेरी ज़ाती राय यह है कि ये मेरा NFC पे पहला और आखिरी कदम है और मैं नहीं रिकमेंड करूँगा किसी को कि वो NFC पे अगर आए तो यहाँ की कोई चीज़ टेस्ट करें, क्योंकि मेरा टेस्ट बोलता है कि यहाँ नहीं आना चाहिए दोबारा। चलें जी, असल ने आपको तो बता दिया है और बाकी जो चीज़ें थी वो एवरेज थी, नॉट अप टू द मार्क, जो कि खैर हर एक का अपना है, लोग आते हैं और इंजॉय भी करें। तो बहरहाल जो एक्सपेक्टेशंस थी हमारी ना कि जितने अच्छा सेटअप बना है, तो जितना मैं खुश होकर आया था ना और जितना मैं एक्साइटेड था, उतना ही मैं आज वैसे मायूस वापस लौट रहा हूँ। चाहिए यार, मुझे दुख, मुझे रोना आ रहा है यार। हमारा यही होता है कि चलें जो हैं यहाँ की मैनेजमेंट, उनको भी मैसेज, अच्छा मैसेज देना कि वो भी इम्प्रूव करें। दूसरी बात है जो आवाम होती है, हर एक ने जो अर्न किए हुए होते हैं ना, वो मुश्किल से अर्न किए होते हैं, और जो लगाते हैं ना पैसे, उनका भी ख्याल करना चाहिए। भारत और फिर ये इम्प्रूव करेंगे और आवाम को अच्छा अच्छा टेस्ट देंगे। बाकी ये है कि हमने यहाँ पे इंजॉय किया, आपके साथ गपशप भी लगी है, मेन मकसद यही है कि आपको एक अच्छा अच्छा रिव्यू भी देना, एक अच्छा ऑप्शन भी देना। तो हसन, आवाम के लिए क्या पैगाम और क्या कहेंगे? मलिक साहब, आवाम के लिए यही पैगाम है कि हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे अपने कमेंट्स दिए में राय का इजहार ज़रूर किया करें। और दूसरी ये बात है कि मैं आज जो है वो टोटली मायूस हो चुका हूँ और मेरे जो अल्फाज है वो मेरी ज़बान मेरे अल्फाज का साथ नहीं दे रही। तो उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोस के साथ इंशाल्लाह और जगह को एक्सप्लोर करते रहेंगे और अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव राय जो होगी वो देते रहेंगे। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।